وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا رب المشرقين ورب المغربين अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं पॉपअप मीडिया। नाज़रीन, आए रोज़ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के रिकॉर्ड्स हम देखने को मिलते हैं, कोई अपने नाखून बड़े करके, कोई अपने बाल बड़े करके, और न जाने कौन कौन से फजूल किस्म के रिकॉर्ड्स लोग बनाता है। लेकिन आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, हाफिज़ नुमान साहब, जिन्होंने 13 घंटे लगातार खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत की, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, आज जानते हैं हाफिज़ नुमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद, अल्लाह पाक ने इतना अजीम कारनामा आपसे लिया, इसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। जी खैर मुबारक जी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने मुझे ये जिस चीज़ से नवाजा। अच्छा हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप बाई प्रोफेशन क्या करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा प्रोफेशन जो है, मैं क्रिकेटर भी हूँ, ठीक है, दुनियावी स्टडी में मैं सीएस कर रहा हूँ, मेरा फाइनल ईयर है, और साथ में जो है कुरान मजीद भी मेरा प्रोफेशन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब, ये कैसे ख्याल आया कि 13 घंटे के अंदर अंदर कुरान पाक की तिलावत करनी है, वो भी खड़े होकर, ये किस तरह ख्याल आपके ख्याल में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने, मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया है, बयान कर दिया है कि मुसलमानों के लिए जो है कुरान मजीद हदायत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे जो है ना अमल किया। मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी, वो मुझे हाफ़िज़ कुरान देखना चाहते थे, उनकी लगन थी माशाल्लाह, और मेरी भी जो है ना दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक हाफ़िज़ कुरान बनूँ, और मैं हाफ़िज़ बना तो मेरे उस्तादा ने, मेरे वालिदैन ने कुरान सिर्फ पढ़ना नहीं, कुरान से मोहब्बत करना भी सिखाया, तो उसी ही की वजह से जो ये है, मुझे 17 साल हो गए कुरान मजीद को माशाल्लाह हिफ्ज़ किए हुए, तो कुरान मजीद से मोहब्बत, लगन की वजह से ही ये ख्याल मेरे जहन में आया, और अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना इस चीज़ से नवाजा है। अच्छा, उस वक्त आपकी कितनी उम्र थी जब आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, और कितने अरसे के दौरान किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 8 साल की उम्र में मैंने 9 माह के जो है ना कलील मुद्दत में कुरान करीम को हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि इस 13 घंटे की आपने जो कुरान पाक की तिलावत की, इसके लिए आपने कोई मुकम्मल ट्रेनिंग की थी? इतने अरसा 13 घंटे का दौरानिया, एक बहुत बड़ा दौरानिया है, इसके लिए आपने डाइट वगैरह या कोई खाने का इंतज़ाम, इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग थी? जी प्लानिंग तो कोई भी नहीं थी, इसमें 2 मेजर रीज़न थे, वो एक ये था कि आजकल सोशल मीडिया पे ये देखने को मिल रहा है कि किसी ने 6 घंटे में, किसी ने 7 घंटे में कुरान मजीद को मुकम्मल कर लिया, और दूसरा जो रीज़न ये था, किसी ने 7 घंटे में मुकम्मल कर लिया, और दूसरा ये रीज़न ये था कि मैं ख़ुद का मदारिस चला रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं जो ना बच्चों को, अपने ही जो स्टूडेंट हैं उनको कभी 5 दिन में सुना देता हूँ कुरान मजीद जा के, कभी 3 दिन में सुनाता हूँ अल्लाह के करम से, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 1 दिन में भी कुरान करीम को सुनाऊँ, क्योंकि ये इंसान के बस की बाहर की बात है, तो मेरा एक जो ख्वाहिश थी, तो मेरे वालिदैन जो थे उन्होंने, मैंने उनसे मशवरा किया, तो अब्बू ने पहले इजाज़त तो नहीं दी, इजाज़त इस चीज़ की दी थी कि बेटा जो है 1 दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, आप ऐसे करो 10 आज पढ़ लो, 10 कल पढ़ लेना, 10 परसों पढ़ लेना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िद थी कि मैंने पढ़ना है, तो आपने ये भी सुना होगा कि सहाबा कराम खजूरें खा के जंग लड़ा करते थे, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी एक जंग ही थी कह लें, तो मैंने भी खजूरें खा के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान मजीद को पढ़ाया, और मुझे भी इस चीज़ का अब यकीन नहीं होता कि यह वाकई मैंने पढ़ लिया, जिसमें जो पहले 15 सुपारे हैं वो खड़े होकर पढ़े गए हैं 8 घंटे लगातार, और दूसरे जो 15 सुपारे हैं वो बैठ के पढ़े गए हैं, और ये जो 13 घंटे की जी और रिकॉर्डिंग है ना, प्रॉपर नेट पे अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे जाके तो जो है ना, मसलन के पहले सुपारे में सिचुएशन हो रहा है, 15वें सुपारे में सिचुएशन हो रहा है, 28वें सुपारे में आप हालत देखेंगे ना मेरी, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा, और बीच में मैं तकरीबन 28 और 29 पारे में जाके 2 से 3 दफ़ा सो भी गया हूँ, टक्कर मेरी लग गया आगे माइक को। अच्छा आप सब ये बताइएगा कि ये पहले भी आपने इसकी ट्राई की, या पहले ही अटेम्प्ट के अंदर आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया? जी बस ये कह लें कि अल्लाह तो अकली बस माइंड में आया था, क्यों मुझे ईदी के पैसे इकट्ठे हुए थे, तो साथ में जो है मेरे वाली साहब से बोला आधे मैं देता हूँ, वो मुझे इस चीज़ में मना नहीं करते, ठीक है, तो आधे मैंने ले लिया, आधे वाली साहब से ले लिए, तो प्रॉपर जो है ना बड़ा सेटअप लगाया, बड़े कैमराज लगाए, साउंड सिस्टम वाले को बुलवाया, क्योंकि वो लॉकडाउन भी था, तो 2 मेरे साथ खुद के मेरे शागिर्द हैं, एक मेरे कज़न है कारी मोहम्मद शाह साहब है माशाल्लाह, तो वो सामिया थे, तो साउंड सिस्टम वाले भी थे, वो भी कह रहे थे कि बंदा पागल है, ये ना आज तक देखने को मिला ना कभी सुनने को मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने देखा कि जो है ना आप सब 11 बजे शुरू किया है, और अब सुबह फजर की नमाज का बाद का टाइम हो गया, और पहले 15 पढ़ लिए, तो वो भी माशाल्लाह दुआएं दे रहे थे।
अच्छा हाफिज़ साहब, कुरान पाक जहरी बात एक बहुत बड़ा कलाम है अल्लाह पाक का। इसके अंदर हमें ग्रामर की और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तजवीद के साथ कुरान पाक की तलावत करनी पड़ती है, इन चीज़ों का भी ख्याल रखा था आपने? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम को जो है तजवीद किरात के बग़ैर पढ़ना पसंद भी नहीं करता, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रख के पढ़ता हूँ, बकाया ये है पढ़ते दौरान शायद कोई गलती हो जाए। तो जो 13 घंटे में कुरान मजीद पढ़ा ना, जो उसमें तो 6-7 माह पहले की बात है ये तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ा गया तजवीद तकरीम का ख्याल रखते हुए, हर चीज़ की ज़बर ज़ेर पेश की हर एक चीज़ की समझ आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, हदर के साथ पढ़ा गया। और अब जो मेरा नेक्स्ट प्लान है जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक पूरा साल हो गया है, मैं एक बड़े उस्तादा से जो है मैं किरात की मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब, जब ये आपने अजीम कारनामा सर अंजाम दिया, घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे घर वालों को तो फूले नहीं थे संवारे, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह सबको छोड़ के आए हैं वहाँ पे, और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से ना हार पहना के, उनके दोस्त भी थे साथ में और मुझे अलविदा किया उन्होंने माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब मुझे ना मुझे आज तक उन्होंने पूछा कि आप स्कूल में क्या करें, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मुझे 5वां साल है यहाँ पर, तो आज तक नहीं मुझे पूछा कि क्या हिसाब किताब है, सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं, बेटा नमाज़ पढ़ी कुरान पढ़ा बस। अब मुझे भी यही कहते हैं कि पुत्र के साडा तेरे को जो कुरान है ना वो साढ़े काम आना, ठीक है ना, तेरिया डिग्रियाँ तेरे वास्ते ने, तो अलहमदिल्ला तो मैं इसी चीज़ को जो है मेरे भी लिए भी ये कह लें कि वो है सब कुछ ही कुरान ही है, उसी के सदके से अल्लाह ने मुझे दुनियावी मामलों में भी बहुत कुछ नवाजा हुआ है। अच्छा हाफिज़ साहब, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं आप, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, इस तरह की कोई और रिकॉर्ड आप बनाना चाहते हैं? जी एक होता है रिकॉर्ड, एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के तसव्वुर से भी बाहर हो। मैं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से, और मुझे आपकी भी दुआएं चाहिए कि अल्लाह मुझे बुरी नज़र तकब्बुर से बचाए, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में सूरतुल फातिहा की अलिफ से लेकर सूरतुल नास की सीन तक पूरा कुरान मजीद बिना मुतशाबा बिना गलती के तजवीद तकरीम के साथ जो भी सुनना चाहे फ़ी सबीलिल्लाह, जो पहले इस काबिल हो वो बुला के सुन सकता है। और जो फ्यूचर मेरे प्लान्स हैं वो ये हैं कि मैं अपने मदारस के बच्चों के लिए और जो दुनियावी बच्चे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कुरान ही मुसलमानों के लिए सब कुछ है, तो इसके लिए मैं सदारती अवार्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारी और उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा कारी होने का अवार्ड लेना चाहता हूँ। और इसके साथ एक और है मेरा गोल, वो ये है कि मैं क्रिकेट का बहुत ही अच्छा प्लेयर हूँ, ये नहीं है कि अब आप मेरे सामने बैठे हैं इंटरव्यू लेने तो मैं वो भी बात कर दूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ट्राई किया है, मुझे ये पता है कि अगर मैं आउट ऑफ कंट्री किसी भी सिटी में चले जाऊं तो मैं उनकी इंटरनेशनल टीम में चंद अरसे के अंदर ही ज्वाइनिंग कर सकता हूं, जितनी मुझे अल्लाह ने अच्छी गेम दी हुई है। राइट बैट्समैन हूं मैं, वन डाउन जो है उसके बाद जो है 140 मेरा प्लस 135 प्लस मेरा पेस है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में सफारशी और जिसके बाप ने क्रिकेट खेली हो वही सिर्फ खेल सकता है, तो ये सिर्फ इसी वजह से अभी तक मैं पीछे हूँ। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने कुरान पाक का रिकॉर्ड अभी बनाया है, हुकूमत की तरफ से कोई अवार्ड या कोई ऐसा इदारा जिसने आपको अप्रोच किया? नहीं फ़िलहाल तो अभी तक नहीं किया, और इस चीज़ से मैं बड़ा हैरान हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आजकल लोगों का कुरान से जितनी मोहब्बत है, ठीक है, दीन से जितनी मोहब्बत है, मुझे था कि ये जो चीज़ मैं लेके आऊँगा तो दुनिया वालों के सामने मेरा एक मोटो था, मैं दीन के लिए काम करना चाहता था, तो मुझे लगा जब मैं इसको लेके आऊँगा तो लोग इसको बड़ा ना एक हैरान जो है ना नज़रिए से लेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी को कुछ फील ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपना जो है मुझे इस चीज़ का भी पता था कि मुझे यहाँ नाच गाना होता ना तो 2 दिन में ही फेमस हो जाना, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को हर चीज़ से प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि दीन के लिए स्ट्रगल्स मेरे हुजूर ने बर्दाश्त की हैं तो मैं क्या चीज़ हूँ, मैं उनका उम्मती हूँ, तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अपनी जो माइंड में सोचा वो उस जगह तक पहुंचना है इंशाल्लाह। पीसीबी की तरफ से या किसी इंटरनेशनल या लोकल टीम की तरफ से आपने कभी खेला हो या कहीं पे ट्रेनिंग्स वगैरह या किस की नुमाइंदगी करते हैं आप किसी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाज यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल टीम का अभी कैप्टन और कोच भी हूँ, तो अभी मैंने इनको लीव कर दी है, तो मैं साल तकरीबन 1.25 साल जो है ना इनकी तरफ से मैं खेल रहा हूँ, और जो है ना बड़े से बड़े मैच जो है ना वन मैन आर्मी की तरह मैंने इनको जितवाए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे यहाँ से भी कोई स्कॉलरशिप वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं मिला, ठीक है। और रही बात क्लब्स की, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ मोस्ट सीनियर प्लेयर जो है ना लाहौर में चंद देखे, क्योंकि रजिस्टर्ड होना पड़ता है एक प्रॉपर क्लब से, मैं रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन मैं जो है ना लाहौर के चंद एक ही क्लब होंगे जहाँ से मैंने खेला, लेकिन हर जो है रजिस्टर्ड वोटेड क्लब से मैं जो बिगेस्ट जो मैच है ना पीसीबी के मैंने वो खेले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दूसरी बात है कि ऊपर अभी मेरा सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी नाम था, मैंने खेलनी थी तो इमरान खान साहब ने वो बंद करवा दी, और जो बड़ी बात है ना या पढ़ लें या फिर क्रिकेट खेल लें, यह हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ ना एक बनाई हुई है कि पढ़ने वाला बच्चा और कुछ नहीं कर सकता, तो वो यही वजह है कि मेरे पढ़ने के दौरान भी ना अभी HEC का टूर्नामेंट था, तो उसी दिन ही पेपर था, उसी दिन HEC का मैच था, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पेपर दूँ या मैं वो करूँ, अगर मैं पेपर छोड़ देता हूँ तो मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे,
तो ये जो अब मेजर चीज़ें हैं जो जिसने अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने क्रिकेट को छोड़ा नहीं है, मैं रोज़ाना 3 से 4 घंटे ना वर्क करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज भी करता हूँ इस चीज़ में कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी गेम दी हुई है कि मैं पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करूँ। मैं इसलिए पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता, मुझे इतना कुछ अल्लाह ने दिया है पाकिस्तान में दिया है, यह सब कुछ पाकिस्तान पर ही कुर्बान है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको नजर आऊँगा पाकिस्तानी टीम में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारी राना फवाद साहब जो कि PSL लाहौर कलंदर के ऑनर है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हाफिज़ नुमान साहब को सपोर्ट करें, उनके टैलेंट की कदर करें, क्योंकि उनके बारे में हमें ये भी देखने को मिला कि वो टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो हमारी तरफ से उनको एक मैसेज है कि काइंडली वो इनके मैचेस को देखें, इनकी ट्रेनिंग जो वो भी देखें और उनके टैलेंट को प्रमोट करें। अच्छा हाफिज़ साहब, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर लोग टिकटॉक और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, नौजवानों के लिए कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहते हैं? जी, नौजवानों के लिए मैं सिर्फ उनको जो है ये कहना चाहता हूँ कि हर काम करने से पहले, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, हर काम करने से पहले वो ये देखें हम मुसलमान हैं, हमारी बाउंड्री लाइंस क्या हैं, ठीक है। तो हमें इस्लाम की जो है ना हदूद में रह के हर काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमारे ज़्यादातर जो हैं 100 में से 99.9% जो है ना अपना जो नौजवान जो नस्ल है वो डिप्रेशन का शिकार है। वो इसी वजह से ही है कि क्योंकि उन्हें वो कुरान उनके घर वाले भी नहीं आप तलीम दे रहे हैं, और जो आगे हमारी दुनियावी तलीम है उसमें तो दूर दूर तक है ही नहीं है। ये आपने देखा होगा कि बैचलर करके जो 16 पढ़ के PhD करके उनसे नमाज जनाजा सुने तो वो उन्हें नहीं आता। नमाज के बारे में जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें भी यहाँ तक है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिन्होंने हमारी बख्शिश करवानी है, जो हमारी शरीय मसाइल हैं, उन्हें तो वही नहीं पता। तो मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस किताब हदायत, ठीक है, कुरान के सदके जो राहजन थे वो राहबर बन गए, जो अनपढ़ थे वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में मुअल्लिम बन गए, जो जानी शराबी थे वो असमतों के महाफिज़ और मकाम अखलाक के अलमदार बन गए। ये सब कुरान करीम की मौजिज नमाई थी। आज मैं आपके सामने मैं बैठा हूँ जो कुरान करीम ने ही मुझे ला के आपके सामने बिठाया है। तो इसलिए जो है ना कुरान को अहमियत दें, कुरान को पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। नाज़रीन, ये थे हाफिज़ नुमान साहब। हमारी हुकूमत से भी अपील है कि वो इनके टैलेंट की कदर करें, इनको अवार्ड से नवाजा जाए। नाज़रीन, ये कारनामा बेशक तभी सर अंजाम दिया जा सकता है जब आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत हो, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है कि अगर ये कुरान पाक में अगर पहाड़ पर उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन ये हाफिज़ कुरान को ही एजाज़ हासिल है कि उन्होंने अपने सीने के अंदर कुरान पाक को महफूज किया हुआ है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम हाफिज़ नुमान साहब के टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इनको देखा जा सके। अपने मेज़बान बिलाल अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।